नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज सदाकत आश्रम में अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर पोस्टकार्ड भेजो अभियान शुरू किया। कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने कहा कि बिहार आने वाले मजदूर के पसीने का अपमान अमित शाह ने अपने वर्चुअल रैली के माध्यम से किया है। अमित शाह को मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, इस मांग को लेकर अमित शाह को पोस्टकार्ड भेजा जा रहा है। कांग्रेस युवा अध्यक्ष गुंजन पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 7 जून के अपने वर्चुअल रैली में अमित शाह जी ने विपक्ष को कहा कि वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मेरा कहना है कि जिस तरह से बिहार के मजदूरों को पूरे लॉकडाउन के दौरान परेशान होना पड़ा है, वो पैदल चल करके अपने घर को लौटने को मजबूर हुए हैं, जिस तरह से ट्रेनों पर उनकी जाने गई हैं, जिस तरह से सुनीता देवी के पति मर गए और घर आने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ा, ज्योति साइकिल से अपने पिता को लेकर दरभंगा आई, रमाकांत का वो मार्मिक चेहरा आज भी लोगों के आंखों के सामने गुजर रहा है, और उसके बाद अमित शाह जी का यह सवाल साफ तौर पर उनकी संवेदनशीलता मजदूरों के प्रति को दिखाता है और दिखाता है कि अमित शाह मजदूरों के प्रति कितने संवेदनशील है और पूरे भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है। इसलिए बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस अमित शाह जी से मांग करता है कि आप तत्काल बिहार की जनता से माफी मांगिए, उन मजदूरों से माफी मांगिए, और आपने जो अपने वर्चुअल रैली में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का जो झूठा ब्यौरा दिया है, उसके लिए आप बिहार की जनता से माफी मांगिए। इसलिए आज हम लोग पोस्टकार्ड भेजो कार्यक्रम के माध्यम से केवल पटना ही नहीं, बिहार के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में और सभी पंचायतों से अमित शाह जी को पोस्टकार्ड भेजेंगे कि आप जल्द से जल्द आप बिहार की जनता से माफी मांगिए और आने वाले समय में उनके पूरे आवाज को पोस्टकार्ड से बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस भर देगा। कितने संख्या है, कितने पोस्टकार्ड आप लोग भेज रहे हैं? देखिए, हम लोग हमारे जितने भी जो पदाधिकारी हैं जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर मुहिम चलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि 7 जून की वर्चुअल रैली में अमित शाह जी ने कैसे बिहारियों का मजाक उड़ाया है। और ये जो कार्यक्रम है केवल हमारे बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं करेंगे, बल्कि आम जनता आने वाले दिनों में उनको पोस्टकार्ड भेजने का काम करेंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।